हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में अगर आपको कहीं एक्स 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 वाई बी एफ एफ जी ये सब टर्म्स होती हैं, अगर आपको मेंशन होती हैं तो बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है और इसको देखकर आप इजीली क्या पता लगा सकते हो कि आपने क्या कंसीव किया होगा। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये अल्ट्रासाउंड में नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उनको ये झूठ लगता है। बट अगर आप मेरे प्रीवियसली कमेंट्स चेक करोगे उसमें बहुत सारे लोगों को ये बात मिली है और ये डॉक्टर के थ्रू ही लिखा होता है तो ये बात सच भी होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ एक्स एक्स और एक्स वाई का जो कन्फ्यूजन होता है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जी है वो आपका गर्ल होती है, एफ है आपका फीमेल होती है, एम है आपका मेल होता है और बी आपका बॉय होता है। ये टर्म आपको सीधा सीधा मेंशन होती है कि इसके स्टार्टिंग इनिशियल जो होते हैं वो लिखे होते हैं। अब आपको एक्स एक्स और एक्स वाई का जो कंफ्यूजन है मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा मगर जिनको नहीं पता उनको जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स एक्स स्पर्म की। तो एक्स एक्स जो स्पर्म होता है आपकी जो फीमेल बॉडी है उसमें ऑलरेडी एक्स स्पर्म मौजूद होता है और जब आपको बॉय से एक्स स्पर्म मिलता है तो आपके गर्ल होती है, वही बॉय से अगर आपको वाई स्पर्म मिलता है तो आपके बॉय होता है। बॉय के पास जो आपके हस्बैंड है उनके पास ऑलरेडी दोनों स्पर्म मौजूद होते हैं, आप उनके पास एक्स भी होगा वाई भी होगा बट आपकी बॉडी में सिर्फ एक्स स्पर्म होगा। अगर कहते हैं ना, लोग कह देते हैं कि इस औरत के दो लड़कियां ही होती है इसकी वजह से हो रहा है, देखो ऐसा नहीं होता। बॉय के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, बॉय जो आपको स्पर्म देता है उसी के अकॉर्डिंग मिलकर आपको गर्ल भी होती है बॉय भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे गर्ल ही गर्ल हो रही है, मैं तो और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगी कि एक्चुअली जो मेल बॉडी होती है उसमें गर्ल स्पर्म जो है एक्स स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं क्योंकि मंथली अगर एवरेज की बात करें 20 डेज वो एक्स स्पर्म ही होती रिलीज कर रही होती है और सिर्फ 10 डे ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो वाई स्पर्म रिलीज करती हैं। उसके भी कुछ लाइक मेथड होते हैं वो मैं आपको जरूर अभी डिस्कस करूंगी बाद में आपसे अगली वीडियो में। तो ये रीज़न होता है आपके बॉय और गर्ल होने का। अब बता देती हूँ ये लिखा कहाँ होता है जो लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड में आप थर्ड मंथ का अल्ट्रासाउंड ले लो, आप फिफ्थ मंथ का ले लो, आप सिक्स सेवन एट कभी कभी ले लो थर्ड मंथ के बाद का, तो आपको वहाँ पर जहाँ पे आपकी हार्ट बीट होती है उसके नीचे ही आपको जो है ये टर्म मेंशन होती है। हार्ट बीट के नीचे ही आपको जी लिखा दिख जाएगा, एम लिखा दिख जाएगा, वहीं आपको जो है एफ एक्स 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 वाई ये सब लिखा दिखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारे वहाँ पे एफ ओ लिखा है, एफ जी लिखा है, एम बी लिखा है, ऐसा नहीं। सिर्फ एक सिंगल टर्म आपको मेंशन होगी और ये बेसिकली आपको मिलता का है। अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ये करवाते हो जिसकी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रेपुटेशन है, वो आपको कभी प्रोवाइड नहीं करेगी। आप सिंपल अल्ट्रासाउंड वाले भैया से करवा सकते हो जिसका जैसे लाल बैथ हो गया, ये सब हो गए बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने करवाया था, मेरा उस पर मेंशन नहीं था बट मैंने एक लोकल जो था उससे करवाया था और उसमें मेरा ऑलरेडी एक्स एक्स मेंशन था हार्ट बीट के जस्ट नीचे, जिसको देख के मुझे पता चला कि मेरे जो है बेबी गर्ल होगी, ये जो है मेरी बेबी गर्ल है और ये सब टर्म्स आपको हार्ट बीट के नीचे मिल सकते। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे अल्ट्रासाउंड में नहीं है, तो रीज़न यही होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने जो लैब चूज़ करी है वो लैब आप बहुत ज़्यादा हाई फाई लैब चूज़ करी है जो ये चीज़ को मेंशन नहीं करती। बट जो लोकल लैब्स होती हैं उनके जो रिपोर्ट्स निकालने के तरीके होते हैं वो प्रीवियसली जो पहले की तरह जमाने की तरह चल रही होती है वहाँ पर वो आपको ये चीज़ मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है तो आप एक बार अपनी जो लैब है वो चेंज करवा के देखिए, अदरवाइज आप जो है बहुत सारे तरीके हैं, हार्ट बीट है, बच्चे का प्लेसेंटा है, इसके थ्रू भी जान सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं तो आप इसके थ्रू भी अगर पता लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। तो चलो ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ जो भी आपको डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।